ये हमारा सैयदगढ़ का इलाका है। यहाँ रिया से लेकर सैयदगढ़ तक सारे बॉर्डर पे पिछले 24 घंटे में लगातार फायरिंग हो रही है, जिसमें कम से कम 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जो 3 आरसपुरा बेल्ट के हैं और 3 रिया साइड के हैं। आरसपुरा में 6 चक, सैयदगढ़ और जब्बोवाल एरिया में 3 लोग जख्मी हुए हैं और काफ़ी गोलाबारी हुई है कल 24 घंटों में और कई मकान ग्रस्त हुए हैं इस गोलाबारी में और लोगों को में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है। रात को 7 बजे तक लोगों की अफरा तफरी पड़ी रही और कम से कम 20-30 गोले यहाँ रात 6 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ गिरे हैं गांव में। मैं कहना चाहता हूं जो गवर्नमेंट की इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, आखिर इससे मसला हल नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो रही है और इतना नुकसान हो रहा है कि इसके लिए बातचीत होनी चाहिए। वो दिल्ली में बैठ के बोल देते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दो, मुंह तो हमारे लोगों का टूट रहा है जो इधर रह रहे हैं।